नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के जाने माने रेसलर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, इनसे जुड़ी हुई आज एक ऐसी खबर आ रही है कि ये दोनों ही लोग आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने जा रहे हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी जो देश के लिए काफ़ी मान सम्मान बढ़ाया है देश का, यहाँ तक कि ये समझ लीजिए बजरंग पुनिया पिछली बार जब ये ओलंपिक में गए थे तो इन्होंने भारत को एक पदक भी दिलाया था, और इस बार विनेश फोगाट 100 ग्राम इनका वजन ज़्यादा था इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गई, अदरवाइज ये सिल्वर मेडल ये लेकर आ जाती और अगर फाइनल जीत जाते तो गोल्ड मेडल भी मिलता पेरिस ओलंपिक में, लेकिन वो भारत को नहीं मिला। लेकिन इन खिलाड़ियों ने भारत का मस्तक ऊपर किया है, सर को उठाया है, भारत का गौरव बढ़ाया है। तो इनकी जो इससे पहले लड़ाई थी वो एक ऐसी लड़ाई थी, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे रेसलर थे, इनका ये कहना था पहले जो रेसलिंग के जो अध्यक्ष थे रेसलिंग फेडरेशन के ब्रजभूषण शरण सिंह, इन्होंने कुछ लोगों के साथ मतलब कुछ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, दुष्कर्म किया है, तो उसके खिलाफ़ इन्होंने एक आंदोलन किया था और वो आंदोलन काफ़ी बड़ा हो गया, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस आंदोलन के थ्रू ये लोग राजनीति कर रहे थे, उसमें जो पैसा दिया जा रहा था आंदोलन में, जो सुविधाएं दिलाई जा रही थी वो कांग्रेस के नेता लोग दिला रहे थे, कांग्रेस का उसमें पैसा लगा हुआ था कि होटल में रूम बुक था इन लोगों के वहाँ पर आराम करने के लिए, हालाँकि इन लोगों ने कई रातें सड़क पर भी काटी थी, लेकिन वो कांग्रेस ने स्पॉन्सर्ड किया था, क्योंकि ये जो मामला था ये ब्रजभूषण शरण सिंह का, ये ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद भी थे उस वक्त, इस बार तो इनको टिकट नहीं मिला, इनके बेटे को टिकट मिला, इनका बेटा जीत भी गया है, सांसद है, लेकिन पिछली बार इनको टिकट मिला था और ये जीते थे, तो उससे डायरेक्ट बीजेपी को भी नुकसान हो रहा था। और तो दोस्तों उस वक्त ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस ने इनकी मदद करी थी, और फिर उसके बाद अभी जब ये पेरिस ओलंपिक में थी विनेश फोगाट, जब जिस दिन ये अपना पहला मैच जीती थी जिसमें ये हुआ कि अब इनको फाइनल में इनकी फाइनल की फाइट बची हुई है, तो ये समझ लीजिए कि उस दिन जो लोगों ने ट्वीट करे थे वो इस तरह से करे थे कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह के गाल पर तमाचा है, ये मोदी सरकार को घुटने पर ले आए, कुछ मतलब इस टाइप के सारे ट्वीट्स होने स्टार्ट हो गए थे, कांग्रेस पार्टी भी उसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। लेकिन जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गए तो ये ट्वीट तुरंत चेंज हो गए, तब ये कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको डिस्क्वालीफाई करवा दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसकी जाँच हुई तो पाया गया कि नहीं, विनेश फोगाट सच में डिस्क्वालीफाई होती है, तो इनको कोई पदक नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद इनका बहुत मान सम्मान किया गया। और ये जब वापस आई इंडिया में, तो फिर पेरिस से जब ये इंडिया आई तो फिर इसके बाद इनको एक बड़ा जुलूस निकलवाया गया जिसमें कांग्रेस पार्टी के ही द्वारा वो स्पॉन्सर्ड था, और उसमें कांग्रेस के जो नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा, ये जो सांसद हैं, ये उसमें सम्मिलित थे, और अच्छे से उसको पूरा शो ऑफ कराया गया वहाँ पर। फिर उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि किसानों का एक आंदोलन भी चल रहा है, फिर विनेश फोगाट उन किसानों के पास भी गई बॉर्डर पर मिलने के लिए, ठीक है ये सब अच्छी चीज़ है, और फिर उसके बाद अब ये कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जब कांग्रेस पार्टी को अब ये ज्वाइन कर रहे हैं तो इनके जो आंदोलन की जो मंशा थी उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या जो इन्होंने आरोप लगाए वो सच में सही लगाए हैं या कांग्रेस पार्टी के कहने पे लगा दिए हैं। अब ये तो हालांकि जांच का विषय है, मामला कोर्ट में है, वहाँ से पता लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मंशा पे थोड़ा सा मतलब प्रश्न चिन्ह लगता है। अब ये देखना है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया क्या विधानसभा चुनाव भी लड़ते हैं या नहीं लड़ते, और अगर लड़ते हैं तो कौन सी सीट इनको मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं इनकी साथी रही साक्षी मलिक, साक्षी मलिक से जब इस पर टिप्पणी ली गई तो उन्होंने ये बोला कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती हूँ जिससे हमारे आंदोलन में जो हमने आवाज़ उठाई है उसकी धार को थोड़ा सा कमज़ोर किया जाए, इसलिए मैं किसी भी पार्टी के साथ ना जुड़ रही हूँ
ना ही उससे कोई मेरा दुर्व्यवहार है किसी भी पार्टी के साथ। मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ और अपने आंदोलन को आगे और बढ़ाकर ले जाना चाहती हूँ और लेकर जाऊँगी। मैं पूरे आखिरी ताकत उसमें झोंक दूँगी, ऐसा साक्षी मलिक का कहना है। तो इसका मतलब साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की यहाँ पे कहीं ना कहीं थिंकिंग जो है वो मैच नहीं हो रही है। तो दोस्तों अब ये देखना होगा कि जो खेल के मैदान में काफ़ी आगे थी, जो उन्होंने अचीव किया विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने, अब वो राजनीति के जो खेल में आए हैं तो अब इसमें कितने वो सफल होते हैं और कितने आगे तक जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। ठीक है दोस्तों, अब इस पर जो और अपडेट आएगा तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।